सो गाइस गाड़ी में बैठने के बाद हम वहाँ जा रहे हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। डे हमारा वही है, बिरला मंदिर हमने घूम लिया, अभी अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जा रहे हैं। ठीक उसके सामने है एक पार्क, पार्क के साथ बिल्कुल जू है, वो कवर करेंगे। मैं जू वाली वीडियो में आपको अलग दिखाऊंगा, ये वाले अलग दिखाऊंगा। रोड है यहाँ पे काफ़ी साफ है, अच्छी भैया ड्राइवरी कर रहे हैं, साथ साथ में उनको बातें बता रहे हैं। बस स्टैंड में वाला इधर इधर उधर एरिया है ना, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे, ये जयपुर वाला साइड अच्छा है। तो ये भैया साथ में ट्रेनर है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये एक साथ में है आज गाड़ी में हमारे। सो गाइज हम पहुंच गए यहाँ पे पार्क पे, तो पार्क में ये पिजन है जो दाना खा रहे हैं यहाँ पे। सुरभि ने सेल्फी की है इनकी, इनके साथ की थी, अब इनकी वीडियो बना रही थी थोड़ी। हमने सोचा स्लो मोशन में इनके साथ वीडियो बनाएंगे कि अच्छी वाली दिखे, वो साथ में वो सॉन्ग लगाएंगे, पर वो हो नहीं पाया हमारा, क्योंकि पिजन को ऐसे उड़ाना मेरे को अच्छा नहीं लगा। सो इतने काफ़ी था हमारे लिए, हम बना सकते थे, कोई इतनी वो दिक्कत वाली बात नहीं थी। वैसे अच्छे लग रहे थे, हमको वैसे अच्छे लगते हैं। तो इसके ठीक यहाँ पे राइट साइड में वो जू है, पहले हम अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जाएंगे, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ उसके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रोड है, आओ, उसके सामने ये मेन एंट्री है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की, जहाँ से लोग जा रहे हैं। अफसोस की बात ये रही हमारे साथ कि ये आज भी माइक नहीं चल पाया, मैं हाफ वीडियो तक नहीं चलेगा, बाद में ऑन करूँगा, मैं ऑन नहीं हुआ। तो इसकी मैंने एंट्री रहेगी यहाँ पे, हमने अंदर जाके ट्राईपोड और कैमरा माइक अंदर डाल लेने हैं, क्योंकि वो यहाँ पे यूज़ नहीं करने देते, फाइन वगैरह कर देते हैं, क्योंकि व्लॉगिंग या न्यूज़ वाले आते हैं तो उसके लिए मना है थोड़ा सा। तो मैं हम यहाँ से एंट्री लिए अंदर जाएंगे, यहाँ से अंदर गए हम। ये अल्बर्ट हॉल म्यूजियम आपको बाहर से थोड़ा सा दिखा देते हैं। सॉरी, ये हमने टिकट लिया है, वन अडल्ट की 120 आई थिंक टिकट है, फॉरेन की ज़्यादा है। तो यहाँ से हमने दो टिकट ली, सुरभि और मेरी। माइक ना चलने की वजह से सब कुछ यार ऐसे गलत हो गया थोड़ा सा सिस्टम। तो यहाँ पे ये अंकल मुझे बोलेंगे कि आप माइक वगैरह हटा लो, क्योंकि अंदर नहीं, थोड़ा मना है। टिकट यहाँ पे चेक करवा के हम अंदर की तरफ गए थे। ये देखिए गाइस, एक एक चीज की मीनाकारी देखिए, बहुत बड़ा म्यूजियम बना हुआ है, बहुत बड़ा म्यूजियम बना हुआ है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। साइड में ये पार्क रह जाता है, एक एक मीनाकारी जो देखने वाली है अंदर, वो राजा ने स्पेशल अपनी रानी के लिए बनवाई थी। मैं आपको एक हर चीज़ दिखाऊंगा। तो एक बार का एरिया, मेन एरिया है, जो मेन इसका गेट है वहाँ पे लेके जाएंगे आपको। ये देखिए वॉल्स, देखिए इनकी, गाइस मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, बुरा इस बात का लग रहा है कि मेरा माइक नहीं चला। पता नहीं वहाँ पे क्या क्या अलग बातें थी, क्या क्या होने वाला था, जो नॉलेज वहाँ पे थी वो बाद में भूल जाते हैं ना, क्योंकि जहाँ भी गए हम थोड़ा सा पूछ के नॉलेज गेन करके वहाँ से थोड़ा सा उसके बारे में जान करके फिर गए हैं। तो अभी यहाँ पे ये रैली निकाल रहे हैं, ये इसका फ्रंट है जी, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का फ्रंट देखिए आप। ये बार है, हनुमान जी की रैली है, ये देखिए गाइस कितना बड़ा बना हुआ है। सो यहाँ पे मन किया हमारा फोटो शूट करने का, थोड़ी बहुत फोटो सेल्फी वगैरह लेने का। तो एक बार वीडियो में रोकना चाहूँगा यहाँ पे, और उसके बाद दिखाएंगे ये सेल्फी इनके साथ। यहाँ से मैंने एंट्री मारी है, और
ये भैया को टिकट चेक करवाया है यहाँ से, काफ़ी क्राउड है। अंकल है जो पुलिस वाले चेक कर रहे हैं। सो ये है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। तो यहाँ से शुरुआत होती है म्यूज़ियम की, लेफ्ट साइड करेंगे पूरी, एक एक चीज़ कवर करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाएंगे मीनाकारी, त्रासिंग, रिलीफ, पेंटिंग्स, सब कुछ दिखाएंगे। सो गाइस आओ नजदीक आना थोड़ा, ये पेंटिंग देखो। अब ये नहीं कह सकते ससा सिंह का चित्र है, ये पशु मुक्त का सिंह का चित्र है। ये धनुषधारी होते थे पुराने जमाने में, जैसे धनुषधारी होते थे ना उनका। ये देखो छोटे छोटे ब्रेक कर ली, वर्क किया हुआ यहाँ पे, क्या बात है। राजे महाराजे जैसे आप इतने दिखाओ, लाइव में दिखाते हैं करके। अभी देखिए आप पेंटिंग देखो, मतलब नेचुरल कलर से उस टाइम की पेंटिंग्स बनी हुई है, कोई नया टच नहीं है इसमें। जो पुरानी पेंटिंग बनी है वैसे की वैसी पड़ी है वो, और वो कलर नहीं गए, नेचुरल कलर थे। जैसे हिरमिच थी, लाल रंग जो हिरमिच थे बनाते थे, कुछ ब्लू कलर के पत्थर होते थे। ये देखो एक मेटल का जो बना हुआ था वो पेंटिंग देखो। अभी मेन म्यूजियम यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इससे एंट्री अंदर करेंगे हम। फिर भी पुराने जमाने की है ना, मैट वगैरह पुराने जमाने में वैसे के वैसे पड़े। ऊपर देखो क्या आती हुई है ना, मतलब ग्लास पे की हुई है, झूमर वगैरह है। स्नैपचैट निकालना, वीडियो बनाएंगे। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, सो गाइस ऊपर से आप देख सकते हैं। गाइस मैं ना मतलब बिल्कुल हैरान हूँ इस बात से कि इतने पुराने पेंटिंग ऐसी की वैसी बढ़िया, मतलब कब की पेंटिंग बनी हुई है। जितने भी पेंटिंग बनी हुई है एक में डेढ़ चश्म आयुष से बनी हुई है, डेढ़ सदा चश्म, सदा चश्म और एक चश्म आयुष सिक्योरिटी है। देखो पूरा ध्यान रखा गया है। फोटो करनी है इसके आगे आपने, ये देखो आपके जितने भी पेंटिंग है आपको यहाँ पे मिलेगी ना, सवा चश्म आयुष या एक चश्म आयुष के रूप में। ये डेढ़ चश्म आयुष है, चलो अंदर ये फोर गेट है। गाइस मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, अब ये देखो तो इसके ऊपर भी ये महीना तारीख नहीं हुआ मैंने, क्या बात है, मतलब क्या उसमें कला थी। कभी कभी तो कला को वो पहला प्राचीन माना गया है ना। ये देखो लीफ जितने ये डेप्थ वर्क किया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा आपको, बहुत ज्यादा डेप्थ वर्क है। अब ये देखो Thank you.
कार्बन फ्यूल है, मैंने डीजल पे कार्बन फ्यूल है। मतलब इतनी ज्यादा ब्रेक स्टेचू बनाए हुए हैं उन्होंने जितने भी मैं देखो जितने लोग जो है उनको उतने ज्ञान बांट रही है। बुड्ढा अपन का फेवरेट है ये ब्राउन कास्टिंग का बना हुआ है, ब्राउन कास्टिंग नॉन बेस्ट टेक्निक, बेस्ट टेक्निक से बनती है ये चीजें। सो गाइस ये तो अल्टीमेट चीज बना दी मैंने। ये देखो बर्तन आपको दिखाएंगे इसमें उसके देखो ये ऊपर चित्रकारी देखो आपको हाइपर न्यूज की तरफ देखने को मिल रहा है। चीनी मिट्टी के बर्तन है, सेरामिक बोलते हैं इसमें, ये सेरामिक आइटम चल सारी। इस सेरामिक आइटम ये 1300 की कुछ आइटम चलती रानी और तुर्की बर्तन, ये रानी और तुर्की बर्तन है। सो गाइस आवाज साइड कम आती है क्योंकि माइक के यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है। जापानी बर्तन है ये सारे, ये जो अभी देख रहे हैं जापानी बर्तन है, फिश वगैरह ये इस टाइम के बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि बाद में बना के लगाए, इसी टाइम के हैं। कोई खंड हुआ हुआ है तो इसको वैसे लगाया हुआ है उन्होंने। ब्रेको रोमन रोमन स्ट्रक्चर, क्या बात है क्या बात है, मतलब आज तो मेरे ना सच में रूप खुश हो गई। कितना कितना बताया Thank you.
ये कांच के बर्तन है जी, देखो देखो इस टाइम में देखो आप, मतलब ऑरिजिनल राखी देखो, आपको समझ आ रहा है, सिलाई देखो, चिल्ली के बर्तन फिर आलू सुरभी हीरो उपलब्ध के मुद्र पात्र मतलब बदला पीने के लिए जो बर्तन बने हुए थे हिंदी के बर्तन है वो काफी मतलब दिलचस्प है। ये सबसे ज्यादा खूबसूरत है हमारी की है, मतलब प्राचीन में ये माना गया है कि बर्तन से बर्तन की तो जब खुदाई हुई थी है ना, तो बर्तन तो विशेष रहे हमारे दिल्ली ब्लू की अनुपति है, तो ये है उत्तराखंड की टॉप शक्ति की शोर काफी हो रहा है दिल्ली के मुद्र वो है तो शावर की है जाली मेरा बंकु से मुल्तान के नीले बर्तन तो देखिए गाइस ये मेरे पास रखा है जब मैं कहा रखा ये जितने भी फूलदान थे ना पोर्ट फ्लावर पोर्ट बोलते थे उसको क्लासिक की देखो कितनी दूर से बनते हैं देखो बर्तन सारमिक के वाले बर्तन है ना आज छोड़ बर्तन काफी ज्यादा है ना अलग अलग तरह के क्या हो गया बस तो और नहीं है बंगाल का छोटे छोटे बर्तन देखो इधर देखो चिल्लम चिल्लम पीने वाले अलग अलग डिजाइन देखो अभी तो यहाँ पे एक दो डिजाइन ही चलते हमारे ना पीने वाले चिल्लम के स्टाइल देखो
फ्लावर पॉट आ गए। ये कितना रुपये है? ये देखो कार्बन मतलब पत्थर के स्टोन पे क्यों हुए भाई साहब, रियलिस्टिक वर्क तो देखो आप, हाथ से बनाया गया ही सारा। यस दोनों साइड से हुए पत्थर। ये यक्षिण है भाई साहब, इसके से क्वेश्चन आते हैं आपको पता ही है। चमुंडा अरे ये क्वेश्चन आते हैं हमको। उसके साथ करो ये भाई साहब, क्या बात है। ये शिव जी की है, हाँ ये आठ लिखता अवधि की है। अभी देखो कार्बन कितनी अच्छी की हुई है, मतलब ऐसे म्यूजियम क्या है, भंडार रख रखा है इन्होंने। अभी ये देखो रावण की मूर्ति है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रहते थे। अभी ये देखो वहाँ पर लोग वगैरह ना यहाँ से निकल गए, क्योंकि हम बहुत पुराने चतुर्भुज विष्णु हो रहे हैं, विष्णु की मूर्ति है यहाँ पे। गणपति देखो मतलब कार्विंग देखो आप भाई साहब, एक चीज वैसे लगाई नहीं, हाथ भी तक खंडित है। चतुर्भुज विष्णु की सारी मूर्तियाँ खंडित है, ये दूसरी वाली भी खंडित है। चतुर्भुज विष्णु की काफी मूर्तियां हैं, जो जितनी भी मूर्तियां वो खंडित पड़ी हैं, और किसी का हाथ नहीं है किसी का, क्योंकि खुदाई की इसमें मिली थी ना, तो इसलिए ये खंडित थी। पहले वर्कर जो निकालते थे खंडित हो गई है। चतुर्भुज विष्णु की है सारी, लगभग लगभग खंडित मिलेगी ना आपको। ये मेरे को सही हालत में लग रही है, बुद्ध चौथी शताब्दी का, गाइस फोर्थ सेंचुरी का,
वो बहुत पुराना है। फोर्थ सेंचुरी का है, खुदाई से है ये। ये भी बुद्ध है। आएंगे उधर से आएंगे। तो हथियार तलवार देखो भाई, तलवार ढाल उन्ना शमशीर ईरानी शमशीर तलवार सीधा खांडा तलवार मतलब क्या चीजें है सब। क्राउड बहुत ज्यादा है ना। ये आर्टिस्ट देखो, ये देखो कमान तीर कमान देखो तुक्का क्या बात है। ये मेटल की बनी हुई है ना। कुल्हाड़ी भाला वगैरह है ना। देख देखो राइफल, राइफल देखो कितने स्टाइलिश टाइप है। ये क्या है? बारूद है। बारूद है ये बम के नाम है। इसके साथ हेलमेट्स वगैरह देखो, दस्ताने देखो, आशा दस्ताने हेलमेट। ये पूरे ह्यूमन बॉडी के जो कवर्स हैं वो रहते हैं। ये तलवार के पिछले वाला हिस्से है वो। पिस्तौल और अभी दिखा रहे हैं धमाकेदार चीजें। ये देखो इधर ये काफी बड़ी बड़ी है ना। ये तो देखो तोड़ेदार बंदूक, तोड़ेदार बंदूक। हाँ नहीं नहीं गो तो नहीं है ये, नहीं नहीं घोड़ा ये रहा बड़े वाली। अभी दिखा रहे हैं आगे खंजर देखो आप, तरह तरह के खंजर सुर्खी कदार खंजर ढाल। फोटो करो इसके साथ आपकी सेल्फी निकालना। ये देखो हाथी दांत आपके थोड़े भाले
ये पता नहीं क्या चीज है, 12 नंबर आशा यूएसए। ये क्या है, हिंदू मुगल भाई, क्या क्या है पता नहीं यार। क्या बात है, ये तो चाहिए मुझे। मैंने जितने भी यहाँ पे देखे हैं ना, एक चीज ज्यादा देखी है, सबसे ज्यादा जो देखी है मैंने बर्तन देखे हैं। जितने आप पीछे देख सकते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे, ये कांस पित्तल के तांबे के बर्तन है, काबिल की हुए, डिटेल में नहीं जाएंगे। मतलब एक पूरे करते हुए टाइम बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। ये देखो आप बर्तन हुक्का देखो, हुक्का हुक्का को दिखाते हुए, क्या बात है। ये राजा महाराजा के पास जो पड़े होते थे, ठीक है। वॉश बेसिन, क्या होता है वॉश बेसिन, ये देखो ये फूलदान बड़े बड़े। और मेरी सबसे सबसे पसंदीदा चीज आने वाली है, मैं आपकी कैमरा दूसरी साइड करके दिखाता हूँ, मतलब क्या बात है। बारह सिंगा जिला जी उठा गया, ये देखो ये तो बर्तन रखने वाला है ना, ऐसे मन कर रहे कि बर्तन रखा जाए। चलो क्या म्यूजियम है यार, ये देखो जो लड़ाई करते थे, जैसे पशु शिकार करते हैं, उसके बाद देखो राजा राजा रामा रानी के एक एक चीज देखते हैं। शिकार करते हुए है ना, कोई जल पे कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये हाथी है, लड़ाई का दृश्य। हाँ ये गुद्धा के मतलब लड़ाई के अनुसार के हुए ना, जलाते हुए गुद्धा गुद्धा के अंदर देखो, कार्ड बॉक्स होते हुए बहुत चीज अलग अलग तरह की, ये बोतल साफ भी अलग अलग तरह की, मदिरा की पान की ये बॉक्स कितने बोलने हुए, तो कुछ नहीं का है। ये ड्रेसेज आ गई, बेबी सॉल, क्या बात है। छोटे छोटे मूर्तियां, जैन मंदिर, ये मतलब छोटे छोटे मॉडल बनाए हुए हैं ना,
काली माता का दृश्य है। महाराजा सिराज सिंह का देवी था। ये संगमर के प्रकार में थी और सच में आठ जो तो थी समझ नहीं आ रहा ना किस साइड जाए किस साइड। अरे वाह महात्मा जी के अलग अलग मूर्तियां लेते हैं। बहुत बड़ा है यार। हाँ मेरे ना साथ में मुझे दिखाया गया ऐसी जितनी भी मतलब लगा के दिखाया गया स्टैंप। ये भी मौरा ये राजा महाराजे के देश से आए ये ऐसी जगह है ना इसलिए मिले थे ये काफी सुंदर आगे छोटे छोटे वस्त्र अच्छे बने हुए थे। वस्त्रों पर विनाकारी काफी थी होती। क्या बात है क्या बात है। ये पगड़ी देखो क्या बात है। ये देखो मिश्र की मूर्तियां हैं कांस्य की प्रतिमा देखो छोटे 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 मीनाकारी को देखो ये बॉन्ज कास्टिंग स्टैचू मम्मी ये देखो अभी टाइम वाइज थोड़ा सा कम है मैं एक एक डिटेल में दिखाना चाहता हूँ मीनाकारी देखो उनकी जुतियां देखो जुतियां ये बॉक्सिंग है जुती हाथ से बनी हुई थी। तो ये क्या है करो कीड़े में करो वही है नहीं क्या होता है ये जो पक्षी होते थे दर्पण कांसे का दर्पण ये छोटे छोटे बर्तन आ गए थे बोतले छोटी छोटी है उसके साथ फोटो करना मेरी
तो गाइस अभी आपको दिखा रहे हैं मम्मी, ये देखो ये, हाँ ये मम्मी है, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ये हाथ से देखो बुटीक की हुई है, हाथ वाली बुटीक देखो, ये बुटीक देखो कितनी बारीक की हुई है, क्या अभी इस जमाने में कौन यूज करेगा इन चीजों की, है हाथ से की हुई है कढ़ाई, पर बटरफ्लाई बनाई हुई है, ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बीना वगैरह सितारा आ गया, सितार वाओ, ये दो बांसुरियां जो लंबी आती है अभी इस टाइम में, तो ये पहले होती थी ऐसे, इसको कुछ सब जाते हैं चले, ये वो जो हवा भर के चलता है ना, ये देखो भाई साहब ये तो पैसे लेने वाले हैं, तो इतना बड़ा ये देखो, रबाब है आ जाओ, ये चीजें आपको एक एक दिखाने वाली है, दर्जी है टोपियां बनाते हुए, सुनार है आग से गर्म करके उसके बाद बनाता होता है, ठीक है स्वर्ण बनाने वाले, ये होते थे सोने के तार बनाने वाले, बनाते हुए चूड़ी बनाने वाले, चूड़ियाँ बनाने वाले होते हैं, लाख के कंगन बनाए हैं, ठीक है कसकर होते हैं, लोहार आ गया, थोड़ा थोड़ा मुस्लिम टच आ रहा है ना, बुनकर आ गया, जैसे दलिया बनते थे गाँव में, ये बुनकर देखो तीन पट्टा आ गया, नारियल बेचने वाला आ गया, लेडी चरखा काटने वाली, जूते बनाने वाला कुम्हार आ गया, और ये पजल मतलब ऐसे तरफी बनाई हुई है, इसमें पजल है जो बंदे भी हैं, और ये एक तरफी बनी हुई है हॉर्स की, धोबी आ गया, क्या कहते हैं ये भी धोबी है, ये पानी ले जाते थे, क्योंकि पुराने जमाने में ये भैंसों के ऊपर ऐसे पानी ले जाते थे, पानी के बड़े होते थे ये पहले, लोहार एकता आ गया, वो दरी बनने वाले आ गए, दुकान आ गई, गाले बेचने वाला आ गया, कार्यशाला आ गई, कुछ
ये सुंदर की तैयारी चली आ गई, पानी फेंकने वाले आ गए। ये देखो वही आ गए, साधु आ गए, साधु वगैरह आ गए अलग अलग सारे साधु। ये देखो साधु के अलग अलग पोज भी है, कुछ ट्राई करते थे, ट्राई करते थे। ये आसन वाले साधु आ रहे हैं, निरोग भी तो रहते थे इतना। मनुष्य सिदाई वो लकड़ी को पकड़ रहे हैं। So guys, ये अलबर्ट म्यूजियम हमने एंजॉय किया है, राजस्थानी कठपुतली भी एंजॉय किया है। थोड़ा जल्दी चलो आज, तो पानी पिएंगे बाहर जाए।